नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। चुनाव आयोग की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई। इस दौरान चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इसके साथ साथ डीसी और एसपी, तमाम जिलों के डीसी और एसपी आए थे, उनसे भी बातचीत की। और वही बैठक के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कह दिया कि अगर किसी भी अधिकारी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ कोई काम किया तो चुनाव आयोग उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। और साथ ही ये भी कहा कि हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं। और अब महाराष्ट्र के दौरे पर मुख्य चुनाव आयोग, अब टीम जल्द ही जाएगी, उसके बाद चुनाव की तारीखों पर मंथन होगा। और साथ ही ये भी ऐलान कर दिया गया है कि मतदान केंद्रों पर 100% सीसीटीवी कवरेज भी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज बने हुए हैं। नीरज, दूसरे दिन भी क्या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है, आज सिर्फ अधिकारियों के साथ इंटरेक्ट हुआ चुनाव आयोग के अधिकारियों का? देखिए, जितने भी राजनीतिक दलों से बैठकें होनी थी वो कल हो गई, और आज जो बैठक हुई है वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जिलों के एसएसपी, एसपी, प्रमंडल आयुक्त समेत जो अन्य अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई। लगभग सुबह 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक जो ये बैठक चली, बैठक में तमाम जिलों को लेकर जो है चर्चा की गई कि क्या कुछ चैलेंजेस जो हैं उन जिलों के हैं, चुनाव को लेकर क्या तैयारी की जा रही है, और मतदाताओं को कैसे वोटिंग के लिए जागरूक किया जाए इसको लेकर चर्चा की गई। और बहुत सारे जो चैलेंजेस है, जिसमें खूंटी है, लातेहार है, और कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर अफीम की खेती होती है, उसको कैसे टैकल किया जाए, पूरी तरह से जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए, इसको लेकर जो है चर्चा की गई है। और उन जिलों के डीसी को, एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर पूरी तरह से जो अफीम की खेती होती है उसे ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ बहुत सारे जो सुझाव मिले थे उस पर जो है आज विचार विमर्श किया गया है, उन सुझावों पर जो है चुनाव के दौरान कैसे जो है पहल किया जाए इसको लेकर चर्चा की गई है। साथ ही जितने भी जिलों के डीसी थे, एसएसपी थे, उन्होंने अपनी ओर से बहुत सारे जो राय है वो दिए हैं। और देखिए, ये जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त थे राजीव कुमार, वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया है कि जो भी अधिकारी किसी दल के हक में या इसी तरह की कार्रवाई में पकड़े जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। साथ ही चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे, और महाराष्ट्र के दौरे के बाद जो है वो चुनाव की तारीखों को लेकर मंथन करेंगे और चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। और जिस तरह से हमने कल भी इसको लेकर चर्चा किया था कि क्योंकि झारखंड में बहुत सारे त्यौहार हैं और त्यौहारों को लेकर जितने भी दल हैं वो चाह रहे हैं कि चुनाव की घोषणा अभी ना हो, चुनाव की तारीख जो है उसके बाद रखा जाए, तो इसको लेकर भी चर्चा हुई है कि किस तरह से जो है रणनीति तैयार की जाए, कब तारीखों की घोषणा की जाए। साथ ही जो जागरूकता अभियान चलाने की बात जो है वो की गई है, किस तरह से जो है जो वोटर्स हैं उन्हें मतदाता केंद्र तक पहुँचाया जाए, मतदान केंद्र तक कैसे पहुँचाया जाए, ये जो है इसको लेकर काफ़ी चर्चा की गई है। ये कहा गया है कि जितने भी लोकल आर्टिस्ट हैं, लोकल आइकन्स हैं, स्पोर्ट्स आइकन्स हैं, उनके माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की जाए, उनके लेवल से जुड़ा जाए, ताकि अधिक से अधिक जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पर पहुँचे और अपना वोट कास्ट करे। और साथ ही क्योंकि अभी 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस है, तो जो वैसे बुजुर्ग जो कि वोट कास्ट करते हैं उन तक पहुंचने की कोशिश होगी, अधिक से अधिक जो है वो मतदान केंद्र तक पहुंचे या उन तक पहुंचने की कोशिश हो सके, इसको लेकर भी जो है चर्चा आज के जो बैठक है हुई है उसमें की गई है। साथ ही जो इंटर स्टेट बॉर्डर है उसको लेकर चर्चा की गई है कि किस तरह की जो वहाँ पर मैनेजमेंट हो वो कैसे हो, ये इसको लेकर भी डीसी, एसएसपी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है, चुनाव के दौरान क्या कुछ कार्रवाई जो है वो करनी है। तो ये जो तमाम बातें हैं जिसको लेकर जो है आज बैठक की गई है, और इन बैठकों में तमाम बातों का जो है जिक्र किया गया है। और कल जो विभिन्न राजनीतिक दलों ने मांग की थी, ये कहा था कि 100% सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए जितने भी मतदान केंद्र हैं, उसको मानते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि जितने भी मतदान केंद्र होंगे 100% सीसीटीवी फुटेज जो है मुहैया करवाए जाएंगे। और साथ ही ये भी कहा गया था कि पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में जब वो अपना किसी तरह का जो है बूथ लगा, जो उनकी पार्टी के जो लोग हैं जो रहते हैं अपनी तौर से
उनको हटा दिया जाता है, तो उसको लेकर भी कहा गया है कि 5-6 दिन पहले जो है इंतजाम किया जाएगा और जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि वहां अपना जो कह सकते हैं एक तरह से टेंट लगाना चाहते हैं या कुछ भी लगाना चाहते हैं तो उन्हें पहले से परमिशन दिया जाएगा, दायरा नाप दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें इजाजत दी जाएगी। तो तमाम पहलुओं पर जो है आज बैठक की गई है। चुनाव की तिथियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम ने सभी की सुनी है लेकिन अपनी तरफ से फिलहाल कुछ नहीं कहा है लगता है। देखिए स्पष्ट नहीं हुआ है लेकिन क्योंकि हमने इस बात को लेकर कल भी चर्चा की थी कि चुनाव की घोषणा अभी लगता नहीं है कि हो पाएगा क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर में कहा है कि झारखंड में त्यौहार का समय है, ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो झारखंड से बाहर चले जाते हैं त्यौहार मनाने के लिए। छठ दीपावली भी है, दुर्गा पूजा भी है, कार्तिक पूर्णिमा है, बिरसा जयंती है, तो लगातार त्यौहारों का सिलसिला जो है ये 1-2 महीने में है। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं कि चुनाव की घोषणा हो जिससे उन्हें दिक्कत हो और वोटर्स जो है मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे, तो ये बातों का लेकर कंसर्न था। हो सकता है कि इसको संज्ञान में इलेक्शन कमीशन ने लिया होगा और जो पार्टियां चाह रही हैं उसको लेकर जो है निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि JMM की ओर से ये कहा गया था कि सही समय पर चुनाव होना चाहिए और आज भी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है कि सही समय पे चुनाव होगा और चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन हमेशा रेडी रहती है। और देखिए महाराष्ट्र के दौरे के बाद चुनाव आयोग मंथन करेगी, मंथन करने के बाद जो है डेट निर्धारित होगा और हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बता दिया जाए कि झारखंड और महाराष्ट्र में क्या एक साथ चुनाव होंगे और चुनाव होंगे तो कब होगा। उदय नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव आयोग ने हर राजनीतिक दल की सुनी है और जो जो उन्होंने एहतियातन या शिकायती बातें भी रखी हैं उन्हें भी नोट किया है और अब अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दे दिए हैं और अब चुनाव आयोग की टीम महाराष्ट्र के दौरे पर जाएगी जिसके बाद तिथियों को लेकर मंथन होगा।